पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अंग्रेजी सीखने के लिए हमें सबसे पहले एक अच्छे टीचर का पता लगाना चाहिए, ना कि एक कोई प्रसिद्ध बड़ी इमारतों वाली इंस्टीट्यूट का। साथ ही मैंने यह भी बताया था कि स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए एक टीचर का चयन कैसे करें। क्या इतना ही काफी है कि आपने एक अच्छे टीचर का चयन कर लिया है? जी नहीं, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातों का भी ध्यान होना चाहिए, जैसे उस टीचर के पढ़ाने का तरीका कैसा है, थियोरिटिकल है या फिर व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल। आखिर स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए कौन सा सही तरीका है, थियोरिटिकल या फिर प्रैक्टिकल? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं Easy English India। क्या आपको तैरना आता है? यदि हां तो बताइए आपने कैसे सीखी। मुझे याद है जब मैं पहली बार तैरने सीखने गया था पूल में, सबसे पहले मैंने वहां तैरने वाले लोगों को देखा कि वे कैसे तैर रहे हैं, और उनको देखकर मैंने अपने में आशा जगाई कि मैं भी एक दिन ऐसा ही तैरूंगा। उसके बाद जब मैं अपने कोच से मिला तो उसके प्रोत्साहन से भरे शब्दों ने मुझ में एक विस्फोटक शक्ति को जगाया और मुझे लगने लगा कि तैरना तो बस चुटकी का खेल है जिसे मैं यूं ही सीख लूंगा। उसके बाद जैसे ही मैं पानी में उतरा तो मेरी चढ़ी हुई सारी शक्ति पानी में उतर गई और मैं डर से कांप उठा। तब मुझे समझ में आया कि किसी भी चीज की थ्योरी आने मात्र से उसमें परफेक्ट नहीं होते हैं, उसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है, और जहां प्रैक्टिकल नहीं तो वहां ज्ञान अधूरा है। ऐसा ही कुछ आज के बहुत सारे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में होता है, जहां केवल ग्रामर के कुछ रूल्स और टेंसेस सिखाकर यह आश्वासन देते हैं कि उन्हें अंग्रेजी बोलनी आ जाएगी, और उसके बाद विद्यार्थी ग्रामर रूल्स को कॉपी में लिख लिख कर प्रैक्टिस करता है, पर वो ग्रामर में माहिर हो जाता है पर अंग्रेजी कभी नहीं बोल पाता। क्या आपकी भी ऐसी हालत है? आपको ग्रामर का ज्ञान है पर बोलने में झिझक और संकोच होता है। इसका कारण आपकी ज्ञान की कमी नहीं पर प्रैक्टिस की कमी है, और आपको ऐसे माहौल की जरूरत है जहां केवल अंग्रेजी बोली जाती है, ना कि ग्रामर सिखाया जाता है। ग्रामर वगैरह तो आप स्कूल में सीख ही लेते हैं, पर अंग्रेजी बोलने के लिए आपको ऐसे इंस्टीट्यूट की जरूरत है जहां पर इंग्लिश में ही बोली जाती है, ना कि हिंदी में। इसलिए जब आप किसी इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सीखने के लिए जाएं तो पता करें कि वहां किस भाषा में बातचीत होता है। यदि इंग्लिश में नहीं होती तो मान लीजिए आप वहां मात्र इंग्लिश का ज्ञान प्राप्त कर तो लेंगे पर अंग्रेजी कभी नहीं बोल पाएंगे। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए इंग्लिश का माहौल होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा इसी कोशिश में रहता हूं कि हमारे क्लासेस में हमेशा इंग्लिश में ही बातचीत हो और इंग्लिश का माहौल बना रहे। यदि आप मेरे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो और इसमें बताए गए सुझाव पसंद आए होंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।